हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स वर्कशीट के बारे में बात करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की। यहाँ पर आपको अपना सेशन ए बी सी डी जो भी हो वो लिखना है और वर्कशीट नंबर 75 है। आज की डेट क्या है, 21/9/2021 है। लर्निंग आउटकम्स टू रिलेटेड डिफरेंट मेथड ऑफ डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है आपको। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चा बता दूं आप सभी को कि लास्ट वीक के जो विनर हैं उनका अनाउंसमेंट हो चुका है, उन्हें गिफ्ट भी पार्सल किया जा चुका है बच्चों, ठीक है। और इस वीक के विनर का अनाउंसमेंट संडे को होना है। अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और फुल वीडियो को वॉच करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया चित्र पहली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपनी अध्यापिका के साथ क्या है साझा कीजिए। तो जैसे बच्चों पहली गलती क्या है, यहाँ पर तितलियाँ हैं, यहाँ पर तितलियाँ नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, फूल हैं, यहाँ पर आपको फूल नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद आपको कुछ और भी गलतियाँ यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। जैसे इसके बाद बच्चों कुछ फूल यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ फूल नहीं है, ठीक है। और तीन तितलियाँ यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है, वो तितलियाँ हो गई। उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर फूल हो गया। इस तरीके से क्या है, आपके तीन चार गलतियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। इसमें आगे देखते हैं तो इसमें लिखा है आयान और भैया के भाग के तरीके, ठीक है। आयान और भैया के भाग के तरीकों के बारे में जानेंगे। आयान अपने परिवार वाले, ठीक है, आयान अपने परिवार वाले मास्क, रुमाल आदि बनाने का काम करते हैं। आयान के परिवार वाले जो हैं मास्क आदि रुमाल ये सब बनाने का काम करते हैं। वह सामान के अलग अलग जो हैं पैकेट में पैक कर कर दुकान में भेजते हैं। आयान की मम्मी ने आयान को हिसाब लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा आयान से कि मास्क व रुमाल के पैकेटों पैक करने के लिए कितने खाली पैकेट लाने होंगे, जैसे एक पैकेट में क्या हो, एक पैकेट में पांच चीज़ों पैक करते हैं, ठीक है। आयान सोचने लगा कि मम्मी के पास 45 मार्क्स बनाए हैं जिन्हें एक पैकेट में कर दुकान भेजना है, ठीक है। और एक पैकेट में क्या है, पांच मार्क्स रखे जाते हैं, तो कितने मार्क्स होंगे। आयान ने तरीका लगाया कि देखो बेटा होता क्या है, 50 + 45 में उसने भाग करा उसको। उसके बाद क्या करा, उसने बताया कि 50 मार्क्स के लिए 10 पैकेट चाहिए होंगे और 45 मार्क्स के लिए 9 पैकेट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 10 + 9 कितना हो गया बेटा, 19 पैकेट हो गया। तो आपका तरीका भी जो है अलग, आपका तरीका भी यही था या अलग, आप अपने तरीके से इसको क्या करिए, हल करिए। अब देखो हमारा तरीका इसका क्या होगा, तो इसका हल आप लिखते हुए क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ 95 यहाँ 5, तो एक बार में कितना आएगा बच्चों, एक बार में आपका आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे 9 में से 4 आएगा, यहाँ 5 जाएगा, 9 बार में 45 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तरीका हो जाएगा, आप इसे लिख लेना, ठीक है। अलग तरीका है हमारा इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। आयान का तरीका देखकर भैया बोले, आयान तुम्हारे तरीका भी सही है लेकिन मैं तुम्हें दूसरे तरीका बताता हूँ, आओ हम भी आयान के साथ भाग का एक नया तरीका सीखते हैं। तो बच्चों वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पर हमें 95 को भाग 5 से करना है, तो हम क्या है 50 + 45 को भाग 50 + 45 5 से भाग करने का भी कह सकते हैं। पहला चरण क्या है, पहले 50 को क्या करो, 5 से भाग करो, और ऐसा करने से क्या होगा आपका 45 शेष बचेगा। फिर दूसरे चरण में क्या करोगे, 45 को 5 से भाग करोगे तो आपका क्या है शेष कितना बचेगा, 0। तो इसका 10 + 9 कितना हो गया बेटा, 19 पैकेट हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले 50 को 95 से भाग दो तो आपका कितना आएगा, 10 बार में 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस 95 से 50 को माइनस करा, 45 आया, इसको 9 से भाग दो पर बीच में प्लस का साइन लगा दो, 45 बार में गया, 00 आ गया। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया, आगे बोला गया है आप 95 को 90 + 5 में भी लिख सकते हैं। पहले चरण में 90 को 5 से भाग दो तो ऐसा करने से क्या होगा, 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक क्या है 90 का नज़दीक ना आ जाए, ठीक है।
तो हम क्या है, 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 90 के नज़दीक ना आ जाए, तो 18 बार में आए वहाँ। फिर श्रेयस बचा 5 हमारा, तो 5 को 5 से भाग दिया, बच्चे 0, तो एक बार में ये आ गया, तो हमारा कितना हो गया 18 + 1 = 19 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है। आगे भैया ने आयान को रुमाल के पैकेट पैक करने का हिसाब लगाने को कहा। आप भी आयान के साथ पता लगाएं कि एक पैकेट में 6 रुमाल के पैकेट, एक पैकेट में 6 रुमाल पैक होते हैं, तो 126 रुमाल के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 126 को 6 से भाग करेंगे, दो बार में आएगा हमारा 12, ठीक है, एक बार में आएगा हमारा 6, ठीक है, तो हम लिख देंगे 126 को जब भाग करा तो हमारा कितना आया बेटा, यहाँ पर आया 21, तो हम यहाँ लिख देंगे 21। इसके बाद क्या है, आइए अभ्यास करें। मैं अभ्यास के समय में क्या है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पहला प्रश्न है कि 867 / 3, दूसरा प्रश्न क्या है 575 / 6, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों 968 / 4, और चौथा प्रश्न क्या है 135 / 7, और पांचवा क्या है 965 / 5। तो बच्चों ये पांचों प्रश्नों के हल क्या है, मैं एक एक करके अब आपको दिखाता हूँ और इनका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, तो आप भी एक एक करके इनको नोट करते रहिएगा। तो बच्चों पहले प्रश्न का आप क्या है हल लिखो यहाँ पर, ठीक है, लिखो, इसको मैं बड़ा करता हूँ तब फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले प्रश्न का हल क्या हो जाएगा, 3 से जब क्या है 867 को भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दो बार में आएगा बेटा 6 यहाँ पर, ठीक है, दो बार में क्या आएगा 6 आएगा, जैसे 8 में से 6 गए बच्चे 2 और 6, तो 8 बार में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा 2 और 7, तो 9 बार में बच्चों कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और बचेंगे हमारे 00 यहाँ पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके में दिया गया वो क्या दिया गया, 606 - 575, 6 / 575, तो अब 6 को भाग करना है 575 को जो है 6 से भाग करना है, तो 6 यहाँ लिखा हमने, 9 बार में आया 54, उसके बाद बचे 3 हमारा 535, 5 बार में आया 30 हमारा, तो नीचे कितना बचा 5। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, अगला प्रश्न है 4 / 968, तो दो बार में हमारा कितना आया बेटा 8 आया, यहाँ लिख दिया, बचा हमारा 1 यहाँ से, फिर 6 और 8 हमने ले लिया, तो 42 बार में हमारा 168 आ गया, हमने 00 - 000 यहाँ लगा दिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है आपका, वो है कि 135 / 7, तो एक बार में हमारा क्या आया 7 आया, यहाँ बचे 6 और 5 = 65, 9 बार में हमारा कितना आया 63, बचा कितना हमारा नीचे 2 बच गया, ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे नोट कर लोगे अगर 2 बचेगा, ठीक है। तो आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 5 को भाग करो, सॉरी 965 को भाग करो 5 से, जब 5 से इसको भाग करेंगे तो एक बार में आएगा, ठीक है बच्चों, एक बार में क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 4 और 6, 9 बार में 45, बचा 1 और 5, 3 बार में क्या हो गया 15 आ गया बच्चों, ठीक है, और नीचे कितना बचा 00, तो इसको क्या है आप इस तरीके से नोट कर लेंगे सारे। चलिए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया है। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट होती है यहीं पर समाप्त। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। धन्यवाद बच्चों।